शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है भारत की लोक कथाएं। इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कुमाऊं की एक लोक कथा सच्चा प्रण। एक थी गाय कौरी, उसका बछड़ा था लालू। लालू को घर छोड़कर गौरी रोज पहाड़ के जंगल में जाती थी घास चरने। जंगल में एक बाघ था। बाघ जानवरों को मारकर खाता था। एक दिन घास चरती चरती गौरी जंगल में दूर निकल गई। भरी है घास यहाँ पर, पानी भी है ठंडा मीठा, छाया भी है घनी पेड़ की। मैं तो रोज यहाँ आऊंगी, हरी भरी घास खाऊंगी, हरी भरी घास खाऊंगी। आई राम, ये तो बाघ दहाड़ रहा है। ओ गण देवी, मेरी रक्षा करना, रक्षा करना। वाह, कितनी मोटी ताजी गाय है। जंगल के हिरण गीदड़ खरगोश तो बहुत खाए, पर गाय बहुत दिन बाद मिली है। गाय, आज मैं तुझे खाऊंगा। मुझे मुझे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बाघ भैया, जो तुम मुझे खाओगे। बिगाड़ा बिगाड़ा तो तूने मेरा कुछ नहीं है, पर तू तो जानती है हम बाघ जानवरों को ही खाते हैं। आज तू पहला शिकार है जो मुझे मिली है, और मुझे भूख भी बहुत लगी है, इसलिए मैं तुझे खाऊंगा गाय। मुझे मत खाओ भैया, मुझे मत खाओ, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। क्यों क्यों भाई, तुझे ना खाऊं तो क्या खाऊं? समझने की कोशिश कर, मैं घास तो खा नहीं सकता। सो तो है। और कोई जानवर आसपास है नहीं, सो मैं तुझे ही खाऊंगा। भैया, मेरा बहुत नन्ना सा बछड़ा है लालू, मैं उसे छोड़कर घास चरने आई थी। वो मेरी राह देखता होगा, मैं घर नहीं लौटूंगी तो वो घबरा कर रोएगा। तुम मुझे घर जाने दो, मैं उसे दूध पिलाकर और समझा बुझाकर लौट आऊंगी, फिर तुम मुझे खा लेना। वैसे तो तुम इन पहाड़ी लोगों की तरह बहुत सीधी साधी लगती हो, पर कहीं इसमें कोई चाल तो नहीं? कहीं तुम अपने मालिक को साथ तो नहीं ले आओगी जो मुझे बंदूक से मार दे? नहीं भैया, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस अपने लालू से मिलकर सीधी यहीं चली आऊंगी भैया। अच्छा तो जाओ, और हाँ, याद रखना,
अगर तुम लौट कर नहीं आई तो मैं वही तुम्हारे घर आकर तुम्हें और तुम्हारे बछड़े लालू दोनों को खा जाऊंगा। नहीं भैया, मैं बस अभी गई और अभी आई, तुम यही बैठ कर मेरा इंतजार करो। भैया मैं अभी गई और अभी आई। बेचारी गाय दुखी मन से घर को चली। उसे अपने बछड़े की चिंता सता रही थी। वो सोच रही थी कि कल से मेरे बछड़े का ध्यान कौन रखेगा। इसी चिंता में डूबी गाय घर पहुंची। माई माई, तू आ गई, आज तो बहुत जल्दी लौट आई। हाँ बेटा, आज जल्दी लौट आई, मगर अभी जल्दी ही चली जाऊंगी। कहाँ जाएगी माई, ऐसा तो तू कभी नहीं करती, आज लौट कर क्यों जाएगी? आज वापस जाना पड़ेगा बेटा। वहाँ एक बाघ मुझे खाएगा, मैंने उसे वचन दिया है कि मैं जरूर लौट कर आऊंगी। आखिरी बार तुझे देखने आई हूँ। भाई भाई, तेरे बिना मैं कैसे रहूँगा? मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, बाघ मुझे भी खा लेगा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता भाई। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा ना कर, कुछ दिन तुझे मेरे बिना परेशानी होगी, आदत पड़ जाएगी। नहीं नहीं, मैं भी तेरे साथ चलूंगा भाई, मैं तेरे साथ मर जाऊंगा भाई। गाय और लालू की यूं ही बहस चलती रही। गाय ने काफी समझाया पर लालू माना नहीं। आखिर दोनों जंगल की तरफ चल दिए। ये क्या देख रहा हूँ मैं? अरे वाह, लगता है गौरी अपने बछड़े को भी साथ ले आई है। बड़ी भली गाय है, जैसे कहा था वैसे ही झटपट लौट आई। मामा प्रणाम। है मामा प्रणाम, तू कौन है बे मुझे मामा प्रणाम कहने वाला? मैं हूँ लालू। ये मेरा बच्चा है। तुमने तो कहा था कि तुम अकेली आओगी, फिर इस बच्चे को क्यों लाई हो? माई तो मुझे ला ही नहीं रही थी मामा, मैं खुद आया हूँ। मुझे मामा मत कह, तू आया क्यों अपनी माई के साथ? तुझे पता नहीं मैं उसे खाऊंगा। पता है, मैं इसीलिए आया हूँ, मैं अपनी माई के बिना नहीं रह सकता, तो मुझे खाने से पहले मुझे खा लो। नहीं, मुझे खा लो। नहीं, मेरे बच्चे का बाल बांका करने से पहले तुम मुझे खा लो। नहीं माई, नहीं माई को छोड़ दो, मुझे खा लो। नहीं, पहले मुझे खाओ। नहीं, नहीं पहले मुझे खा लो। नहीं मामा, पहले मुझे खा लो। जो शोर मचा रहे हो दोनों, चुप हो जाओ। लालू, तू अपनी माई के बिना नहीं रह सकता। नहीं। और गौरी,
तुम भी लालू के बिना नहीं रह सकती। नहीं नहीं। तो ठीक है, दोनों माई बेटे साथ साथ रहो। साथ साथ रहो कैसे? मैं तुम दोनों को नहीं खाऊंगा। पर क्यों? तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का प्यार देखकर मेरा मन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें खाऊं। तुम असहाय गाय होकर भी अपने वचन की रक्षा के लिए मौत के मुंह में वापस आई, तो क्या मैं इतना ताकतवर बाघ होकर दूसरा शिकार नहीं खोज सकता? जाओ, तुम दोनों के प्राण छोड़े मैंने। धन्यवाद बाघ भैया। धन्यवाद मामा। और अब तुम जंगल में जाकर जितनी जी चाहे घास खाओ, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चलो बेटा घर चलो। चलो चलो माई, चलो माई, चलो। सच्चा प्रण। अभी आप सुन रहे थे कुमाऊं की एक लोक कथा। आलेख मधु जोशी। भाग लेने वाले कलाकार कमला कुमारी चोपड़ा, कीमती आनंद, बेबी सुषमा और सतीश महाजन। ध्वनियांकन दीपक पांडे और आरसी मनचंदा। निर्माण सहयोग वंदना निगम। निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर एवं परियोजना निर्देशन डॉक्टर एल जी सुमित्रा। Thank you.